शिवाय। श्री वायवी संहिता उत्तरार्ध प्रथम अध्याय। संसार के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भगवान शिव को प्रणाम कर सूची बोले, हे ऋषिगणों, मैंने आपके द्वारा पूछी गई हर कथा आपको सविस्तार सुनाई है। ये सभी कथाएं अंतकरण की कालिमा को नष्ट करने वाली है। शुद्ध अंतकरण द्वारा ही देव लीलाओं के रहस्य खुलते हैं तथा उनकी प्रति निष्ठा जागती है। बिना देवोपासना के शिव तत्व को नहीं जाना जा सकता है। ऋषिगणों, आप कथार्थिक हैं, ये मैं जान गया हूं। अब आगे आप किस कथा के विषय में सुनना चाहते हैं? सूत जी के प्रश्न को सुनकर ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु को दर्शन देकर पाशुपत व्रत करने की आज्ञा प्रदान की, परंतु इस व्रत का ज्ञान उन्हें कैसे मिला? ये बात सुनकर वायुदेव बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण ने अपनी इच्छा अनुसार अवतार लिया और फिर सांसारिक मनुष्य की भांति पुत्र कामना की प्राप्ति हेतु तपस्या करने मुनियों के आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने जटाजूट धारण कर भस्म रमाया। त्रिपुंड का तिलक लगा आए मुनि उपमन्यु को देखा। श्री कृष्ण ने उनकी तीन परिक्रमा की तथा प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। उपमन्यु जी ने कृष्ण को त्रायुष जमदगने मंत्र देकर 12 महीने तक पाशुपत व्रत धारण कराया और पाशुपत व्रत का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने आश्रम में रहकर एक वर्ष तक कठोर तप किया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। शिव जी ने श्री कृष्ण की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए। वर के प्रभाव से श्री कृष्ण को अपनी पत्नी जामवती से साम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। दूसरा अध्याय। वायुदेव बोले, हे मुनियों, एक दिन श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु मुनि से कहा, हे महर्षि, आप मुझे देवाधिदेव भगवान शिव के पाशु पत व्रत के ज्ञान को बताइए। पशु कौन है और वे किस रस्सी से बंधे हैं और उससे कैसे मुक्त होते हैं? शिवजी पशुपति कैसे कहलाए? कृपा कर मेरी इन जिज्ञासाओं को शांत करें। श्री कृष्ण जी के इन प्रश्नों को सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर सभी स्थावर जीव सर्वेश्वर शिव के ही पशु हैं। शिवजी ही उनके स्वामी हैं, इसीलिए उनके अधिपति होने के कारण वे पशुपति कहलाते हैं। भगवान शिव द्वारा रचित सभी पशु मोह माया की दृढ़ रस्सियों से बंधे हैं। इसी रूप में संसारी व्यक्ति जब मोह ममता आदि के पाश से मुक्त होने का प्रयास करता है तो वह और भी बुरी तरह उसमें बंधता और फंसता जाता है। कोई केवल सांसारिक साधनों द्वारा पाश से मुक्त नहीं हो पाता, इसके लिए भगवान शिव की कृपा आवश्यक है। अपने भक्तों की आस्था, श्रद्धा और भक्तिपूर्ण उपासना देखकर वे उन्हें माया रूपी रस्सियों से मुक्त कर देते हैं। माया के 24 तत्वों से ही जीव बंधा रहता है। अपने जीवों को इन बंधनों में बांधने वाले स्वयं भगवान शिव ही हैं। वे उन्हें विषयों में बांधकर उनसे अपने कार्य कराते हैं। जो इन विषयों में आसक्त होकर भोगों की कामना से व्यवहार करता रहता है वह पशुता से मुक्त नहीं हो पाता। जिसे संसार के भोगों में रस नहीं मिलता वह शिव कृपा से
इन पाशों से मुक्त हो जाता है। महेश्वर संसार का अनुशासन चलाते हैं तो ब्रह्मा जगत का बाहर से पालन करते हैं और हव्य कव्य भी ग्रहण करते हैं। जल जगत में जीवन भरता है और पृथ्वी जगत को धारण करती है। दैत्यों का संहार स्वयं भगवान शंकर करते हैं। देवेंद्र स्वर का संचालन करते हैं। वरुण जल पर शासन करते हैं। ये सब कार्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलकर संपन्न होते हैं। शिवजी का पूजन सदगति प्रदान करता है। निष्काम भाव से की गई शिव आराधना मनोकामनाओं की पूर्ति के साथ मुक्ति का साधन भी बनती है। तीसरा अध्याय। मुनि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, भगवान शिव के सगुण साकार मूर्त रूप का विभिन्न ध्यानों में नाना प्रकार से वर्णन किया गया है। ये शिव के वैशिष्ट रूप हैं। भगवान शिव ने स्वयं भी अंगभूता आदि शक्ति से जब इस सृष्टि की रचना की, उसके बाद वे संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए। शिव ने ही सृष्टि के रूप में अपना विस्तार किया। इस तरह भी कहा जा सकता है, भगवान शिव अपनी मूर्तियों में ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश, सदाशिव, शिवजी की ही प्रतिमाएं हैं। ईशान, पुरुष, अघोर, वामदेव और सदोजात इनकी पांच मूर्तियां हैं। ईशान मूर्ति क्षित्रज्ञ है, पुरुष स्थानु मूर्ति है, अघोर मूर्ति बुद्धि तत्व को धारण किए है, देवाधिदेव महादेव की वामदेव मूर्ति अहंकार की अधिष्ठात्री है, सदोजात मूर्ति शिवजी के हृदय में निवास करती है, ईशान मूर्ति श्रोतवाणी और शब्द आकाश की अधिष्ठात्री है, ईश्वरीय मूर्ति हस्त स्पर्श और वायु की अधिष्ठात्री है, अघोर मूर्ति नेत्र चरण रूपी अग्नि की अधिष्ठात्री है, वाम मूर्ति रस जल की अधिष्ठात्री है। भगवान शिव की आठ प्रतिमाएं हैं। जिस प्रकार माला में फूल गूंथे होते हैं, उसी प्रकार शिवजी की मूर्तियों में संसार ग्रथित है। शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव, ये शिवजी की आठ मूर्तियां हैं। इन्होंने पृथ्वी, जल, तेज, पवन, आकाश, क्षित्रज्ञ, सूर्य और चंद्र को धारण किया हुआ है। शिवजी की शार्वी मूर्ति विश्वधारी का है, वायिका भावी मूर्ति है और जल को धारण किए है। तेजो दीप्त रोद्री मूर्ति जगत में अंदर और बाहर विचरती है। पवन मूर्ति जगत का संचालन करती है। आकाशातमिका मूर्ति पूरे विश्व में व्याप्त है। पशुपति मूर्ति आत्मा की अधिष्ठात्री है। ईशानी मूर्ति जगत को प्रकाश देती है। महादेव जी की मूर्ति अपनी शीतल किरणों से जगत को तृप्त करती है। आठवीं मूर्ति के कारण सारा संसार शिव रूप है, इसीलिए शिव जी का पूजन और आराधन ही भय का नाश कर मोक्ष प्रदान करने वाला एवं समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है। चौथा अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपसे स्त्री पुरुष जो महादेव की विभूति है का वर्णन करता हूँ। भगवान शिव परम शक्तिमान है, देवी पार्वती उनकी शक्ति है और विश्व उनकी विभूति है। शुद्ध अशुद्ध, पर अपर, चेतन अचेतन, सभी स्वाभाविक रूप हैं। शिवजी और देवी पार्वती के वश में ये संसार है। वे ही
विश्वेश्वर हैं। भगवान शिव ही संसार के सभी जीवों को भक्ति और मुक्ति देते हैं। माता शक्ति भी शिवजी के समान महाशक्ति है। वे चिद रूपा शक्ति है जो विश्व को विभक्त करती है। वे ही सभी क्रियात्मक शक्तियों को क्रियान्वित करती हैं। देवी पार्वती ही क्षोभ पाकर नाद को पैदा करती है। नाद से बिंदु, बिंदु से सदाशिव, उससे महेश्वर और उससे युद्ध विद्या पैदा होती है। ईश्वर की वाणी शक्ति है। इस संसार को रचने वाली शक्ति है। इस संसार में स्त्री व पुरुष की विभूति भगवान शिव और देवी पार्वती पर आश्रित है। शिव क्षित्रज्ञ हैं और देवी क्षित्र रूपा हैं। पार्वती जी पृथ्वी रूप हैं और शिव जी आकार रूप हैं। शिव समुद्र रूप हैं तो पार्वती जी तरंग रूपा हैं। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने आपको सर्वेश्वर शिव की विभूति सुना दी है। शिव भक्तों को सायुज्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव का भजन कीर्तन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पांचवा अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, इस संसार में सभी जीव मोह माया के पाश में बंधे हुए हैं, इसीलिए भगवान शिव के स्वरूप को वे जान नहीं पाते। भगवान शिव के अविकल्प प्रभावों का वर्णन ऋषि मुनिगण करते हैं। भगवान शिव को अपर ब्रह्म रूप में ब्रह्मात्मक, अनादि अनंत रूप में महादेव तथा भूत, इंद्रिय अंतकर प्रधान विषयात्मक में अपर ब्रह्म एवं चेतनात्मक परम ब्रह्म कहलाते हैं। ये बहुत विशाल हैं और विश्व का विस्तार करने वाले हैं और ब्रह्म कहलाते हैं। विद्या और अविद्या ब्रह्म के रूप हैं। चेतना और अचेतना विद्या अविद्या के ही रूप हैं। विश्व भगवान शिव रूप है और संसार के सभी जीव भगवान शिव के अधीन हैं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तो सत असत दोनों के स्वामी हैं। वे ही सत असत को क्षर अक्षर करते हैं। सभी प्राणी क्षर अवव्य एवं अक्षर हैं और परमात्मा के रूप हैं। सर्वेश्वर शिव ही समष्टि और वैष्टि रूप कहलाते हैं। वे ही संसार के प्रवर्तक और निवर्तक हैं। वे ही आविर्भाव और तिरोभाव का कारण हैं। देवाधिदेव महादेव ही सबके स्वामी और धाता हैं। सर्वेश्वर शिव अंतर्यामी हैं, जो मनुष्य अपनी बुद्धि के कारण विरोधाभासों में फंसे रहते हैं, वे किसी भी बात का निश्चय नहीं कर पाते। जो मनुष्य भगवान शिव की शरण में जाते हैं, उन्हें शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। छठा अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार इंद्रजाल की माया जादूगर को भ्रमित नहीं करती, बल्कि उसकी लीलाओं को देखकर वह आनंदित होता है, उसी प्रकार सृष्टि रचना का आधार रूप भगवान शिव सभी प्रकार के बंधनों से सदैव मुक्त रहते हैं। त्रिलोकीनाथ देवाधि देव शिव तो सब बंधनों से दूर हैं। उन्हें कोई भी माया, प्रकृति, बुद्धि और अहंकार नहीं बांध सकता। शिव तो परम ब्रह्म परमात्मा हैं। वे किसी वासना, मोह अथवा भोग के प्रभाव में नहीं आ सकते। बंधु अबंधु, नियंता प्रेरकपति,
गुरु त्राता, अधिक समान, कांक्षित आकांक्षित, जन्म मरण, विधि निषेध, मुक्ति बंधन, कोई भी सर्वेश्वर की राह में आगे नहीं आ सकता। देवाधिदेव महादेव सारे संसार में व्याप्त हैं। सृष्टि से पूर्व शिव थे, सृष्टि रचना के बाद सृष्टि रूप भी शिव हैं, और सृष्टि के खत्म होने के बाद भी शिव ही अवशिष्ट रहेंगे। ये ज्ञान ही समस्त दुखों को समाप्त करने वाला है। यही शिवोपासना और शिवा आराधना का प्रतिफल है। सदा शिव के सच्चे स्वरूप को जिस प्राणी ने समझ लिया, वह कभी मोह के वश में नहीं होता। हिरण्यबाहु भी शिव रूप से काल के अग्रभाग हैं। हृदय के मध्य में सर्वेश्वर शिव का ही वास है। जो भगवान शिव का परम भक्त है, उसको संसार में हर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सातवां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, परम ब्रह्म परमात्मा शक्तिशाली और विलक्षण वाले एक ही रूप हैं। सूर्य किरणों के समान ही उनकी कीर्ति देदीप्यमान है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया रूप में उनकी अनेक शक्तियां विद्यमान हैं। इसी शक्ति के फल स्वरूप शिव पुरुष हुए और ज्ञान दायिनी आनंदमय देवी पार्वती सूक्ष्म शक्ति कहलाई। प्रज्ञा श्रुति स्मृति रूपी शिव विद्या है। भगवान शिव ही वैद्य हैं। भगवान शिव की शक्ति विश्व को मोहने वाली और मुक्ति प्रदान करने वाली है। अपने हृदय में शिव शक्ति के स्वरूप का ध्यान करने वालों को परम शांति प्राप्त होती है। शिव शक्ति का तादात्म्य संबंध है। मुक्ति की कामना करने वालों के लिए ज्ञान एवं कर्मों की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति तो भगवान शिव और देवी पार्वती के प्रसन्न होते ही प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव के प्रसन्न होते ही मुक्ति सुलभ हो जाती है। भगवान शिव की भक्ति उन्हें प्रसन्न करती है। देवाधिदेव महादेव जी में भक्ति भावना रखने वाले जीवों को मुक्ति मिल जाती है। सांग और अनंग दोनों सेवा भक्ति कहलाती है। सर्वेश्वर शिव की ध्यान साधना करने से समस्त कामनाएं पूरी होती हैं। तप, कर्म, जप, ज्ञान, ध्यान और चांद्रायण व्रत तप है। परमेश्वर शिव का नाम जपने व चिंतन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव शास्त्रों में भी इस ज्ञान का वर्णन है। आठवां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप वेदों का सार सुनाइए। ये सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, जब सर्वेश्वर शिव ने सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा की, उस समय उन्होंने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को पैदा किया और उन्हें सृष्टि रचने का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने वर्ण और आश्रम की व्यवस्था की, फिर यज्ञार्थ सोम रचना की। सोम द्वारा स्वर्ग बना, तत्पश्चात सूर्य, पृथ्वी, अनल, यज्ञ, विष्णु और इंद्र आदि देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। परमात्मा ने जब देवताओं के ज्ञान का हरण कर लिया था, तब सब देवता भगवान रुद्र से पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब रुद्र देव बोले, हे देवगण, मैं पुराण पुरुष त्रिकाल बाधित भूत भविष्य वर्तमान में रहने वाला हूं। मैं ही सबका नियंता हूं। ये कहकर रुद्रदेव अंतर ध्यान हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। फिर सोम मंत्र से आराध्य भगवान शिव और देवी पार्वती की वे स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति सुनकर
देवादिदेव महादेव जी ने देवी पार्वती सहित उन्हें दर्शन दिए। तब अपने सामने पाकर देवता उन्हें प्रणाम करने लगे और बोले, हे स्वामी, हमें अपने पूजन का विधान सुनाइए। ये सुनकर भगवान शिव ने अपने चतुर्मुखी तेज रूप का दर्शन कराया। शिव जी का अद्भुत स्वरूप देखकर देवताओं ने शिव जी को सूर्य और देवी पार्वती को चंद्रमा मानकर अर्ध्य प्रदान किया। तब देवताओं को शिव तत्व का अमृतमय ज्ञान देकर शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। नौवा अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, मैंने सुना है कि देवाधिदेव परमेश्वर शिव हर युग में लोक कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। इन अवतारों में उन्होंने किसे अपना शिष्य बनाया है, उनके विषय में बताइए। तब मुनि उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण जी, श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंग क्लोगाक्षी, महा मायावी, जेगिश व दधिवाहा, ऋषभ मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेद शिरा मुनि, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, अठास, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडिश, सहिष्णु, सोम शर्मा और नुकलेश्वर, ये वराह कल्प के इस सातवें मन्वंतर में युग क्रम से 28 योगाचार्य प्रकट हुए हैं। इनमें से प्रत्येक के शांत चित वाले चार चार शिष्य हुए हैं, जो श्वेत से लेकर रुष पर्यंत बताए गए हैं। मैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूं। सुनो, श्वेत, श्वेत शिख, श्वेताश्व, श्वेत लोहित, दुंदुभी, शतरूप, ऋचिक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपाश, पाशनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुर्तिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, विरजा, शंख, अंडज्य, सारस्वत, मेघ, मेघवाहा, सुवाहक, कपिल, आसुरी, पंचशिख, वाशकल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, केतुश्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लम, लंबात्मा, लंबकेशक, सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य, सिद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरजा, अत्रि, उग्र, गुरुश्रेष्ठ, श्रवण, श्रविष्ठक, कुणी, कुणबाहु, कुशरीर, केनेत्रक, काश्यप, उष्णा, चैवन, बृहस्पति, उत्तत्य, वामदेव, महाकाल, महानील, वाचश्रवा, सुवीर, शयावक, यतीश्वर, हृणाय नाभ, कौशल्य, लोकाक्षी, कुथुमी, सुमंतु, जेमिनी, कुबंध, कुशकंधर, प्लक्ष, दारभायनी, केतुमान, गौतम, भल्लवी, मधुपिंग, श्वेत केतु, उशिज, बृहित श्व, देवल, कवि, शालिहोत्र, सुवेश, युवनाश्व, शरदसु, छगल, कुंभकर्ण, कुंभ, प्रभाहुक, उल्लुक, विदुत, शंभुक, आश्वलायन, अक्षपाद, कनाद, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और ऋष्य। ये योगाचार्य रूपी महेश्वर के शिष्य हैं। इनकी संख्या 112 है। ये सब के सब
सिद्ध पाशुपात हैं। इनका शरीर भस्म से विभूषित रहता है। ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, वेद और वेदांगों के पारंगत विद्वान, शिवाश्रम में अनुरक्त, शिव ज्ञान परायण, सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त, एकमात्र भगवान शिव में ही मन को लगाए रखने वाले, संपूर्ण द्वंद्वों को सहने वाले, धीर, सर्वभूत हितकारी, सरल, कोमल, स्वस्थ्य, क्रोध शून्य और जितेंद्रिय होते हैं। रुद्राक्ष की माला ही इनका आभूषण है। उनके मस्तक त्रिपुण से अंकित होते हैं। उनमें से कोई तो शिखा के रूप में ही जटा धारण करते हैं, किन्हीं के सारे केश ही जटा रूप होते हैं, कोई कोई ऐसे हैं जो जटा नहीं रखते हैं और कितने ही सदा माथा मुंडाए रहते हैं। वे प्राय फल मूल का आहार करते हैं, प्राणायाम साधन में तत्पर होते हैं। मैं शिव का हूं इस अभिमान से युक्त होते हैं, सदा शिव के ही चिंतन में लगे रहते हैं। वे अपनी कठोर साधना से संसार रूपी विष वृक्ष के अंकुर को मत देते हैं, फलस्वरूप संसार बीज का ही नाश हो जाता है। इसे ही समस्त प्रकार के कर्मों का क्षय कहते हैं। ऐसे में स्थूल सूक्ष्म शरीरों के कारण हमारा शरीर भी विगलित हो जाता है। इसी को मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। जो योगाचार्य इस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, वे सदा परम धाम में जाने के लिए ही कटिबद्ध होते हैं। जो योगाचार्यों सहित इन शिष्यों को जान मानकर सदा शिव की आराधना करता है, वह शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई अन्यता विचार नहीं करना चाहिए। दसवां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, भगवान शिव से देवी पार्वती ने क्या प्रश्न किया और शिव जी ने उसका क्या उत्तर दिया? तब उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे स्वामी, आप प्राणी जन पर किस प्रकार प्रसन्न होते हैं? तब शिव जी बोले, हे प्रिय, मुझे प्रसन्न करने का एकमात्र साधन श्रद्धा भक्ति है। मैं कर्म, जप, यज्ञ और समाधि से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना भक्ति पूर्ण आराधना से। जिस भक्त के मन में श्रद्धा हो, वह मेरा दर्शन, स्पर्श, पूजन एवं मेरे साथ वार्तालाप भी कर लेता है। अतः जो मुझे अपने वश में करना चाहे, उसे पहले मेरे प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। श्रद्धा ही स्वधर्म का हेतु है और वही इस लोक में सभी वर्णों की रक्षा करता है। जो अपने वर्णाश्रम के धर्मों का पालन करता है, उसी को मुझ में श्रद्धा होती है, दूसरे को नहीं। धर्म के मार्ग का अनुसरण करके विद्वजन की श्रद्धा भावना बढ़ती है। वे जीव जो एकाग्रचित होकर मेरा ध्यान करते हैं, मेरी भक्ति को प्राप्त होते हैं। वर्ण आश्रम पर चलने वाले जीव मोह माया और पापों से छूटकर शिवलोक को प्राप्त कर लेते हैं। उनकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। सनातन धर्म के ज्ञान, क्रिया, चर्या और योग नामक चार पद हैं। भक्ति पूर्वक साधना ज्ञान कहलाती है। छह मार्गों से किए गए शुद्धि विधान को क्रिया कहते हैं। वर्णाश्रम युक्त विधि से पूजन अर्चन को चर्या कहा जाता है। मेरी भक्ति में अपने हृदय को लगाकर अन्य वृत्तियों का निरोध करना योग कहलाता है। निर्मल हृदय से भक्ति पूर्वक ध्यान करने से 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है।
अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले विरक्त पुरुषों को ही ज्ञान और मुक्ति प्राप्त होती है। तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, ये मेरे भजन के 5 प्रकार हैं। पूर्व वासनावश, बाह्य अथवा आभ्यंतर, जिस पूजन में मन का अनुराग हो उसी में दृढ़ निष्ठा रखनी चाहिए। बाहरी शुद्धि को शुद्धि नहीं समझना चाहिए, आंतरिक शुद्धि से ही आत्मशोधन होता है। भजन बाह्य हो या आंतरिक, दोनों में ही भाव होना चाहिए। प्रेम और समर्पण के बिना पूजन निरर्थक है। 11वां अध्याय। त्रिलोकीनाथ परमेश्वर शिव बोले, हे देवी, 3 बार नहाना, अग्नि कर्म करना, लिंग पूजा, दान, ईश्वर भाव, दया भाव, सत्य, संतोष, आस्तिकता, अहिंसा, लज्जा, श्रद्धा, पढ़ना, पढ़ाना, उपदेश, ब्रह्मचर्य, श्रवण, तप, क्षमा, शोच आदि वर्ण धर्म है। ब्राह्मणों के लिए क्षमा, शांति, संतोष, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, तत्वज्ञान, वैराग्य, भस्म, सेवन, सर्वसंग में निवृत्ति आदि परम आवश्यक है। ब्रह्मचारियों को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, क्षत्रियों को दान नहीं देना चाहिए। सभी वर्णों की रक्षा करना, शत्रुओं पर विजय, दुष्ट जन वध, ऋतुकाल में स्त्री गमन, सेना रक्षण एवं मेरे भक्तों पर पूर्ण विश्वास करना आदि क्षत्रिय धर्म है। वैश्य धर्म गोरक्षा, व्यापार और खेती करना है। सभी वर्णों की सेवा करना शूद्र का धर्म है। गृहस्थियों को अपनी गृहस्थी का ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचारियों को ब्रह्मचर्य, पत्नियों को पति आज्ञा का पालन करना चाहिए। विधवा स्त्रियों को भूमि, शयन, धर्म, व्रत, दान, तप, शांति का पालन करना चाहिए। वह चतुर्दशी, पूर्णिमासी व एकादशी का व्रत करना चाहिए। मेरी आराधना करने वाले प्राणी जन को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। 12वां अध्याय। मुनि उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, वेदों एवं शास्त्रों में ओमकार और षडाक्षर मंत्र की महिमा का गुणगान किया गया है। ये मंत्र भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करता है। वेदों का सार रूप होने के कारण इसके अर्थ में बहुत सी सिद्धियां विद्यमान हैं। ये मंत्र परम मुक्ति दाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मनोरंजक तथा परे से भी परे है। इस मंत्र की बड़ी महिमा है। अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी ये तीनों गुणों से परे है। पंचाक्षर मंत्र सभी विद्याओं का बीज है। ये मंत्र सर्वज्ञ एवं समर्थ है। ओम में ब्रह्म स्थित है। नमः शिवाय में ईशान नामक सूक्ष्म ब्रह्मांड स्थित है। भगवान शिव तो सदा इस मंत्र में निवास करते हैं। ये मंत्र संसार से मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस मंत्र पर अविश्वास करने वाला अधर्मी मनुष्य नरक का भागी होता है। इस पंचाक्षर मंत्र में 7 करोड़ मंत्र हैं तथा अनगिनित उपमंत्र हैं। पंचाक्षर मंत्र एवं षडाक्षर मंत्र में संपूर्ण शिव ज्ञान तथा सभी विद्याओं के तत्व हैं। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय नामक महामंत्र है, उसे अन्य किसी शास्त्र के अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं होती। 13वां अध्याय। देवी पार्वती बोली, हे स्वामी, कलयुग में पाप रूपी अंधकार निरंतर बढ़ता जाता है।
धर्म से विमुक्ता आ जाती है। धर्म के आचार विचार सभी परंपराएं एवं मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, तब उसमें आपके भक्तों की क्या गति होगी और वे कैसे मुक्त हो पाएंगे? पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी बोले, हे देवी, कलयुग में पंचाक्षर मंत्र का भक्ति पूर्वक जाप करने वाले मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। पापियों, निर्दयी एवं कुटिल जन भी श्रद्धा भावना से पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से भव सागर से पार हो जाते हैं। पंचाक्षर मंत्र के जपने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये सर्वोत्तम मंत्र है। महर्षि इसी मंत्र के प्रभाव से स्वधर्माचरण करते हैं। प्रलय आने पर सभी स्थावर जंगम जीव नष्ट हो जाते हैं, तब मैं ही एकमात्र जीवित रहता हूं। सारे वेद और शास्त्र मुझ में लीन हो जाते हैं, फिर नई सृष्टि का आरंभ होता है। सृष्टि के पुनः आरंभ में जब श्री हरि क्षीर सागर में सो रहे थे, उस समय उनकी नाभि से पंचमुखी ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। उन्होंने सृष्टि की रचना करने हेतु मेरी तपस्या की। तब मैंने ब्रह्मा जी को साक्षात दर्शन देकर उन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा दी। इस मंत्र के प्रभाव से उन्होंने देवताओं, दानवों, ऋषियों एवं प्राणीजन की रचना की। नमः शिवाय ये पांच अक्षरीय मंत्र महा महिमावान हैं और सारे जगत का बीज रूप है। इसे वेदों से उत्तम माना गया है। मेरे द्वारा प्रकट प्रथम विद्या यही है। वामदेव इसके ऋषि हैं और पंक्ति छंद है। मैं इस मंत्र का देवता हूं। ये मेरा परम प्रिय मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र कलयुग में इस भव सागर से तारने वाला मंत्र है। 14वां अध्याय। भगवान शिव बोले, हे प्रिय, ऐसा व्रत जो क्रिया और श्रद्धा से हीन हो निष्फल होता है। तभी सिद्ध व्यक्ति श्रद्धा भाव बढ़ाते हैं और तत्व ज्ञाता गुरु की शरण में जाते हैं। प्राणी जन शरीर, मन और वाणी द्वारा उनका पूजन करते हैं और यथा योग्य वस्तुओं का दान करते हैं। इसीलिए जब प्राणी जन गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु उन्हें मंत्र की दीक्षा देते हैं, और जब शिष्य का अहंकार का भाव समाप्त हो जाता है तब उसे घृत से स्नान कराकर आभूषण से भूषित कर ब्राह्मणों का पूजन करें, फिर गौशाला या मंदिर में जाकर विधि पूर्वक ज्ञान का उपदेश दें। गुरु द्वारा दीक्षित मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। इससे परम गति प्राप्त होती है। वाचिक जप का फल 1 गुना, उपांशु जप का 100 गुना, मानस का 1000 गुना, सगर्भ का 1,00,000 गुना होता है। मंत्र के अंत में ओंकार होना चाहिए। ध्यान के साथ मंत्र का जाप करना चाहिए। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौ के पास ही जप करना चाहिए। वशीकरण हेतु पूर्व, घात करने हेतु दक्षिण, धन प्राप्ति हेतु पश्चिम, शांति हेतु उत्तर की ओर मुख करके जाप करना चाहिए। आचारहीन व्यक्तियों को लोक निंदक माना जाता है। तब उत्तम धन एवं श्रेष्ठ विद्या को आचार माना जाता है। निंदक मनुष्य को परलोक में भी सुख नहीं मिलता। इसलिए हमें सदाचार का पालन करना चाहिए। गुरु द्वारा दीक्षित मंत्र पतित चंडालों को भी सुधारने वाला तथा
परम गति प्रदान करने वाला होता है। 15वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप मुझे शिव संस्कारों के बारे में बताइए। ये सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, मनुष्य द्वारा 6 मार्गों को शुद्ध कर लेना संस्कार कहलाता है। ज्ञान प्रदान करने वाले तथा बंधनों का नाश करने वाले संस्कार दीक्षा कहलाते हैं। शांभवी शक्ति एवं मातृ शांभवी दीक्षा 3 प्रकार की होती है। शांभवी तीव्र और तीव्रतरा 2 प्रकार की होती है। पाप नष्ट करने वाली तीव्र तथा आनंद प्रदान करने वाली तीव्रतरा शांभवी दीक्षा कहलाती है। योग मार्ग से शिष्य शरीर में प्रवेश कर गुरु द्वारा दी गई दीक्षा शक्ति दीक्षा कहलाती है। कुंड कुंडल सहित की गई क्रिया दीक्षा मातृ दीक्षा कहलाती है। शिष्य को अपने गुरु के गौरव को बढ़ाने हेतु नित्य उनका पूजन करना चाहिए। गुरु और भगवान शिव में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। हमें गुरु आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। गुणवान गुरु जो सर्वेश्वर शिव के परम भक्त हैं, परम मुक्तिदायक हैं। गुरुदेव अपनी शरण में आए ब्राह्मण शिष्य की 1 वर्ष, क्षत्रिय की 2 वर्ष एवं वैश्यों की 3 वर्ष तक परीक्षा करे। जो शिष्य दुख एवं ताड़ना पाकर भी मौन रहे और दुख का अनुभव ना करे, उन्हें शिव तत्पात्र एवं शिव संस्कार योग्य मानना चाहिए। परीक्षा लेने के पश्चात गुरु को सप्रेम दीक्षा देनी चाहिए। 16वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सम्याहव्य संस्कार को ग्रहण करते समय सर्वप्रथम शुभ दिन और शुभ समय देखें। भूमि पर शिल्प से मनोहर मंडल की रचना करें, जिसके मध्य में वेदी हो। ईशान कोण से 8 दिशाओं में कुंडल बनाए, फिर चंदोवा ध्वजा पताका मालाओं से उसे शोभित करें। वेदी के मध्य में सुंदर मंडप होना चाहिए, फिर सोने चांदी द्वारा ईश्वर का आह्वान करें। सोना चांदी न होने पर चावल सिंदूर पुष्पों से आह्वान करें। 2 हाथ लंबा श्वेत या लाल कमल बनाए, जिसमें 8 कर्णिका हो। वेदी पर धान चावल सरसों तिल पुष्प कुशा बिछाकर कलश की स्थापना करें। कलश में जल भरकर सुगंधित पुष्प अक्षत कुशा दुर्वा डालें तथा उस पर नया लाल वस्त्र लपेटें। स्वयं आसन ग्रहण करें। मंडल के मध्य में महेश्वर का पूजन करें, फिर भगवान शिव का आह्वान करते हुए कलश का पूजन करें। दक्षिण में शिवजी के अस्त्रों को पूजें तथा मंत्रोच्चारण करते हुए यज्ञ आरंभ करें। शिव अग्नि में प्रधान आचार्य होम करें तथा भगवान शिव से सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। फिर शिष्य शिवजी की 3 बार परिक्रमा करें और दंडवत प्रणाम करें। फिर शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए शास्त्रानुसार गुरु शिष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर मूल मंत्र के तर्पण में 10 आहुतियां दें। तत्पश्चात शिष्य पुनः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और पुनः कुश के आसन पर बैठें। गुरु शिव नाम जपते हुए शिष्य के शरीर पर भस्म लगाएं, फिर शिष्य के कान में शिव मंत्र का उपदेश दें। मंत्र की शिक्षा लेकर शिष्य उस मंत्र का उच्चारण कर शिवजी को प्रणाम करे। तत्पश्चात गुरु शिष्य को अभिमंत्रित रुद्राक्ष व शिव मूर्ति भेंट करें और शिष्य उसे
सम्मान पूर्वक ग्रहण करें। 17वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, कला तत्व भवन वर्ण पद मंत्र आदि 6 अध्याय हैं। निवृत्ति प्रतिष्ठा विद्या शांति और अतीत 5 अध्वा हैं जो आवृत कहे जाते हैं। पृथ्वी को तत्वाधवा कहा जाता है। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तो तत्व सायक हैं। उनके तत्वों की गणना करना असंभव है। अभिमंत्रित रुद्राक्ष भेंट करने के बाद गुरु को शिष्य सहित मंडल में जाकर शिव पूजन करना चाहिए। 4 सेर चावलों की खीर बनाकर आधी खीर भगवान शिव को अर्पित कर देनी चाहिए। फिर नकार मकार आदि 5 कलशों पर 5 वर्ण धारण कराएं। मध्य में ईशान, पूर्व में पुरुष, दक्षिण में अघोर, पश्चिम में सधोजात, उत्तर में वामदेव को स्थापित करें। कलशों को प्रोक्षित कर हवन आरंभ करें। फिर आदि खीर को होम कर दें, बाकी को प्रसाद समझकर ग्रहण कर लें। तर्पण कृत्य कर्म कर पूर्ण आहुति दें। ओम नमः शिवाय से प्रदीपन कर 3 आहुतियां दें। कन्या द्वारा कात्य गए सूत को अभिमंत्रित कर शिष्य की शिखा में बांध दें और पूजन करें। भगवान शिव का ध्यान और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए शिष्य रात्रि को सोए और रात्रि में जो स्वप्न दिखे उसे विस्तार पूर्वक अपने गुरु को बताएं। 18वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, तत्पश्चात आचार्य की आज्ञा से स्नान कर नित्य कर्म कर ध्यान लगाकर हाथ जोड़कर वहां से प्रस्थान करें। पुष्प अर्चन और शिव नाम का उच्चारण करते हुए मंडल में आकर ईशान देव का पूजन करें। अग्नि होम करें। फिर आहुतियां डालकर वागीश्वरी का पूजन कर वागीश को प्रणाम कर मंडल में देवता का पूजन करें। गुरुदेव शिष्य को मंत्रों द्वारा शुद्ध करें। फिर पूर्ण आहुति देकर ब्राह्मण का पूजन करें। 3 आहुतियां डालकर भगवान शिव का स्मरण करें। तत्पश्चात नील रुद्र वागीश्वरी तेजस्वनी शिव शक्ति का चिंतन करें। फिर गुरु कैंची का प्रोक्षण कर शिष्य की शिखा छेदन करें। फिर उसे गोबर में स्थापित कर अग्नि में होम कर दें। मंडल में विराजमान भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे देवाधिदेव, कृपा निदान आपकी परम कृपा से ही षड्ध्व का शोधन हुआ है और इसे अव्यय धाम की प्राप्ति हो। आप नाड़ी संधान के साथ पंचभूतों की शुद्धि करें। फिर 3 आहुतियां डालते हुए अणिमा का निरूपण करें। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ भगवान शिव और देवी जगदम्बा का पूजन कर अपने पुण्य कार्य को सफल करने की प्रार्थना करें। 19वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, मंडप के मध्य में भगवान शिव का पूजन करके वहां कलश की स्थापना करें और फिर हवन करें। हवन करने हेतु शिष्य को सिर खोले हुए मंडप में बैठा दें। उसके पश्चात 100 आहुतियों का हवन करने के बाद सुगंधित पुष्प मिले जल से अभिषेक करें और शिष्य को देवाधिदेव भगवान शिव संबंधी विद्या प्रदान करें। तत्पश्चात शिष्य को साधन करने की रीति बताएं। साधन उपदेश को शिष्य ग्रहण करके गुरुदेव के सामने ही मंत्र का उच्चारण करें। साधन मूल मंत्र का पुरुष चरण होता है। इस प्रकार
विधि विधान से भक्ति पूर्वक आराधना पूर्ण करने के पश्चात खीर का प्रसाद अर्पण करें और दंडवत प्रणाम करें। तत्पश्चात आसन पर बैठकर भगवान शिव का स्मरण करते हुए ध्यान लगाकर दीक्षित मंत्र का जाप करना आरंभ कर दें। इस मंत्र के 1 करोड़ अथवा सामर्थ्य अनुसार जप करें। इस प्रकार इस मंत्र का उपदेश देने वाले गुरु और उपदेश पाने वाले शिष्य के लिए इस लोक और परलोक में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त न किया जा सके। 20वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, जब शिष्य दीक्षित मंत्र को साथ ले तब उसे पाशुपति व्रत धारण कराएं, फिर उसे अभिषेक करने के लिए आसन पर बैठा दें, पंच कलाओं से पूर्ण कलश स्थापित कर भगवान शिव का पूजन करें, मध्य के कलश के जल से शिष्य का अभिषेक करें, फिर देवाधिदेव भगवान शिव को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित कर शिव मंडल में आराधना करनी आरंभ करें। 108 आहुतियां डालकर हवन संपन्न करें, फिर शिवजी की मूर्ति को वहां से उठा लें, शिव घट तथा अग्नि का पूजन और आराधना करें, फिर अश्व शोधन की क्रियाएं पूर्ण करें। भगवान शिव में असीम श्रद्धा और भक्ति भाव रखने वाले और शिव शास्त्रों को जानने वाले विद्वान और ज्ञानी ही शिव मंत्र को दुर्लभ समझते हैं, इसलिए शक्ति संस्कार कर निरूपण करते हैं। 21वां अध्याय। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, अब आप मुझे कर्मकर्ता पुरुषों के नित्य कर्मों के बारे में बताइए। तब मुनिवर उपमन्यु बोले, श्री कृष्ण, सत्पुरुषों को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठकर सर्वप्रथम भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। अरुणोदय होने पर घर से बाहर शौच से निवृत्त होकर स्नान करें, फिर आचमन कर स्वच्छ वस्त्र पहने, 3 मंडलों की रचना कर भगवान शिव के मंत्र का जाप करना आरंभ करें, घुटने के बल बैठकर शिवजी को प्रणाम करें, अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए जल में कुशा डालें, फिर शरीर पर भस्म धारण करें, मस्तक, छाती और दोनों भुजाओं पर त्रिपुंड धारण करें, तत्पश्चात गले, कानों और हाथों में रुद्राक्ष धारण करें, ब्राह्मणों को सफेद, लाल, पित, रंगीन नए वस्त्र धारण कराएं। वस्त्र धारण करने के बाद पूजा के स्थान पर उत्तर की ओर मुख करके बैठें और हाथ जोड़कर अपने आराध्य देव त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करें। ध्यान से उठने पर शिष्य नामाष्टक का पाठ कर गुरु को श्रद्धावनत होकर प्रणाम करें। 22वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, न्यास गृहस्थियों के क्रमानुसार 3 प्रकार का होता है। ब्रह्मचारियों के लिए उत्पत्ति न्यास, सन्यासियों के लिए लय न्यास और गृहस्थियों के लिए स्थित न्यास का विधान है। अंगूठे से लेकर कनिष्का उंगली तक स्थित न्यास होता है। लय न्यास वाम अंगुष्ठ से दक्षिण अंगुष्ठ तक है। बिंदु के साथ नकारादि वर्णों का न्यास करना चाहिए। तल और अनामिका में शिवजी का न्यास करें। 10 दिशाओं में अस्त्र न्यास होना चाहिए।
पांच भूतों के स्वामी एवं पांच कलाओं को अपने हृदय के मध्य ब्रह्म रंध्र में धारण करें, पंचाक्षर मंत्र का जाप करें, प्राण वायु को रोककर अस्त्र मुद्राओं से भूत ग्रंथि का छेदन कर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा जप करें, फिर वायु द्वारा शरीर शोषण करें, फिर कलाओं का संहार करें, दुग्ध कलाओं का स्पर्श कर अमृत द्वारा सिक्त कर शरीर को उचित स्थान पर स्थापित करें, तत्पश्चात भौतिक शरीर को भस्म द्वारा स्नान कराएं, हृदय में स्थित भगवान शिव का ध्यान करते हुए अमृत वर्षा से विद्यात्मक देह को सींचें, अपने शरीर को शुद्ध करके शिव तत्व प्राप्त कर ईश्वर का पूजन करें। मातृ न्यास, ब्रह्म न्यास, प्रणव न्यास और हंस न्यास करें। हकार हृदय से सकार भ्रिकुटी मध्य में 50 वर्ण रुद्र मार्ग के द्वारा न्यास करें, फिर कर्मश, अघोर, वामदेव, प्रणाम, हंस, न्यास, पंचाक्षरी मंत्र का न्यास करें। भगवान शिव का परम भक्त और शिव पूजन और ध्यान करने वाला मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है, इसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। 23वां अध्याय। उपमन्यु बोले, कृष्ण जी, अंगन्यास आदि कार्यों को पूरा करें, फिर अपने मन द्वारा पूजन सामग्री की कल्पना करें, सामग्री को जुटाकर उससे विधि पूर्वक विघ्न विनाशक श्री गणेश का पूजन करें, दक्षिण तथा उत्तर में क्रमशः नंदी एवं सुभद्रा का पूजन करें, कमल के सुंदर और कोमल आसन पर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव व देवी पार्वती को उस पर स्थापित करें, शिव पार्वती की स्थापना कमलासन पर करने के बाद भक्ति पूर्वक विधि विधान के अनुसार उनका पूजन करें, पुष्प अर्पित करें, ध्यान करें और भावनामय समीदा धृत से परमेश्वर की नाभि में होम करें। भ्रिकुटी के मध्य में परम पवित्र दीप ज्योति के आकार वाले भगवान शिव का ध्यान करें, यही वानपितिक भावनामय आराधना है। इसे पूर्ण करने के बाद अग्नि या स्तन डिल लिंग में पूजन करें। 24वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, पूजन स्थान को गंध चंदन फूलों और जल से पवित्र कर प्रोक्षण करें, अस्त्रों द्वारा विघ्नों का निवारण कर कवच से सारी दिशाओं का अस्त्र न्यास करें, कुशा बिछाकर उसे जल से मार्जित करें, प्रोक्षणी पात्र, अर्ध्य पात्र, पाद्य आचमन को शुद्ध कर उनमें जल खम तथा चंदन डालें और आचमन के जल में कपूर, कंकोल, कीमता, तमाल व चंदन मिलाएं, चावल, कुशा, दुर्वा, जो, अक्षर, तिल, धृत, सरसों, पुष्प और भस्म को मिलाकर मंत्र द्वारा रक्षित करें, विनायक देव का पूजन करें, फिर नंदीश्वर का पूजन करने के पश्चात षोडशोपचार से शिवलिंग का पूजन करें, ऊर्ध्व भाग में कमलासन रखें, कमल दल 8 प्रकार की सिद्धि देने वाला है, वामादिक शक्तियां बीज है, भगवान शिव का पूजन करें, पंचगव्य द्वारा स्नान कराएं, फिर आंवले और हल्दी से इसका लेप करें, देव स्नान कराकर सुंदर वस्त्र एवं यज्ञोपवीत धारण कराएं, पाद्य अर्ध्य आचमन धूप दीप निवेद
गंध, पुष्प, भूषण, जल, मुखवास कर रत्न जड़ित मुकुट एवं आभूषण चढ़ाए। फिर भगवान शिव पार्वती की आरती उतारें। आरती की थाली को शिवलिंग के सामने 3 बार घुमाकर माथे पर सुगंधित भस्म धारण करें। फिर अपनी पूजा अर्चना में रह गई त्रुटि के लिए भगवान से क्षमा याचना करें। इस प्रकार पूजन करने से परम फल की प्राप्ति होती है। 25वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, दीपदान करने से पहले आरती एवं पूजन भी किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम ईशान देव से लेकर सदोजात तक भगवान शिव का जाप करें। पहले आवरण में हृदय से लेकर अस्त्र न्यास कर पूजन करें। पूर्व में इंद्र, दक्षिण में यम, पश्चिम में वरुण, उत्तर में कुबेर, अग्नि कोण में अग्नि, नेरिति और निरिति में वायु की पूजा करनी चाहिए। कमल से बाहर वज्रादि आयुधों का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात सभी स्थानों से 8 लोकपालों का पूजन कर मां जगदम्बा का पूजन कर उनकी आराधना करें। योग, ध्यान, जप और होम कृतियों में 6 तरह की निवेद होना चाहिए। उसके बाद कपूर, कंकोल, जावित्री, कस्तूरी, केसर, मृगमद, सुगंधी, पुष्प आदि अर्पण कर घी का दीपक जलाएं। फिर हाथी दांत से निर्मित आसन, दिव्य छत्र, चंवर, भेरी और मृदंग चढ़ाएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया गया शिव पूजन उत्तम फल देने वाला होता है। शिवजी में अनन्य भक्ति रखने वाले प्राणियों को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। 26वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, शिव पूजन परम फलदायक है। बड़े बड़े पापी, ब्रह्महत्यारे, चोर, व्यभिचारी पुरुष यदि शिव पूजन करे तो उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए पतितों को शिव पूजन अवश्य करना चाहिए। शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने से बंधन में पड़े मनुष्य बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अनेकों योनियों में जीवन व्यतीत करने के पश्चात हमें मनुष्य योनि मिली है। जो मनुष्य इस अल्भय मनुष्य देह को पाकर भी शिव पूजन नहीं करता उसका जन्म सफल नहीं होता। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन आराधना अवश्य करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन के समान अन्य कोई भी धर्म नहीं है। ये मनुष्य को सभी सांसारिक बंधनों एवं मोह माया से मुक्ति दिलाने वाला है। शिव पूजन करने के पश्चात मनुष्य को परिवार एवं बंधु बांधवों सहित प्रसाद बांटना चाहिए। 27वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण जी, अग्नि कृत्य तो कुंड, स्थंडिल, वेदी, लोहे के पात्र अथवा मिट्टी के पात्र में कर्तव्य है। उसमें विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करनी चाहिए और फिर हवन करना आरंभ करें। सबसे पहले कुंड का निर्माण करें। कुंड के चारों ओर 3 मखेला होनी चाहिए। फिर कुंड में योनि की रचना करें। कुंड को गोबर से लीप कर उसे अग्नि में तपाएं और तत्पश्चात उस पर वेदोक्त सूत्र लिख दें। कुशा पुष्पों से कुंड को प्रोक्षित करें। पूजन की सभी सामग्रियां एकत्रित करें। मनी द्वारा उत्पन्न या किसी ब्राह्मण के घर से लाई गई अग्नि को ही
ग्रहण करें। कुंड की 3 बार परिक्रमा कर अग्नि बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए कुंड में अग्नि स्थापित करें। फिर दक्षिण दिशा में शिव पूजन का मंत्र न्यासादि कर घी में धेनु मुद्रा दिखाकर स्त्रुवा को तपाकर प्रोक्षण करें। फिर संस्कारों की सिद्धि के लिए बीज मंत्रों से होम करें। ऐसा करने से शिवाग्नि संपन्न हो जाती है। तत्पश्चात भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप का आह्वान कर उसका पूजन करें। फिर दीपक तक सिंचन कर समीदाओं से होम करें। दुर्वा एवं घी की आहुतियां दें। धान खील जो सरसों तिल को घी में मिलाकर उससे होम करें। फिर 3 प्रायश्चित आहुतियां दें। बचे घी को एक पुष्प पर रखकर वोषट मंत्र द्वारा हवन करें। विसर्जन कर अग्नि की रक्षा करें। देवों का आह्वान कर उनका पूजन करें। भस्म को मंत्र द्वारा धारण करें। अग्नि कृत्य समाप्त होने पर शिव शास्त्र अनुसार बलि कर्म करें। विद्या के सामने गुरु मंडल की रचना करें और उस पर आसन बिछाकर फूल से गुरु पूजन करें। फिर निर्धनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन कर लें। फिर आचमन कर शिव मंत्र को जपते हुए ध्यान करें। 28वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उत्तरायण संक्रांति ग्रहण काल में विशेष पूजन करना चाहिए। माघ के महीने में पंचगव्य शोध कर शिवजी को स्नान कराएं और उस जल को पिएं। इस जल को पीने से ब्रह्म पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पौष माह में पुण्य नक्षत्र में भगवान शिव की आरती करें। माघ में मघा नक्षत्र में कंबल और घी का दान करें। फाल्गुन के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दिन बहुत बड़ा उत्सव करें। चित्रा नक्षत्र में चैत्र माह में शिवजी का ढोला उत्सव करें। वैशाख के विशाखा नक्षत्र में फूल मंडली उत्सव करें। जेठ महीने के मूल नक्षत्र में शीतल जल का कुंभ दान करें। आषाढ़ के उत्तराषाढ़ में पवित्र व्रत धारण करें। श्रावण माह के श्रवण नक्षत्र में प्राकृत प्रकार के सभी मंडल बनाकर उनका पूजन करें। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रोक्षण करें। पूर्वषाढ़ नक्षत्र में जल हीड़ा करें। असोज में खीर खाएं। शतभिषा नक्षत्र में अग्नि कर्म करें। कार्तिक में कृतिका नक्षत्र पर सहस्त्र दीपक जलाकर उनका दान करें। मृगशिर महीने के आद्रा नक्षत्र में स्नान करें। अपने द्वारा किए गए किसी बुरे कार्य के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना करें और बुरे कार्यों के लिए प्रायश्चित करें। इस प्रकार नित्य पूजन करने से इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 29वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे महर्षि, अब आप मुझे शिव धर्म के अधिकारी पुरुषों का कर्तव्य कर्म निरूपण करें। उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, कर्म ऐहिक और आयुष्मिक 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें आयुष्मिक कर्म क्रियामय, तपोमय, जन्मय, ध्यानमय, सर्वमय आदि कुल 5 प्रकार के होते हैं। इन कर्मों की पूर्णता हेतु हवन, दान और पूजन आदि सब कर्म किए जाते हैं।
शक्तिमान पुरुष ही इन कर्मों को सफल करते हैं। भगवान शिव ही अपने भक्तों को आज्ञा और शक्ति प्रदान करने वाले हैं, इसीलिए उन्हीं पुरुषों को काम्य कर्म करना चाहिए। ये काम्य कर्म इस लोक और परलोक दोनों में परम फलदायक है। शिव महेश्वर है, ये सबके ईश्वर हैं। ज्ञान पूर्वक यज्ञ करने वाले शिव भक्त ही महेश्वर हैं, इसीलिए अभ्यंतर कर्म शिव तथा वाह कर्म महेश्वर है। गंध रस वर्ण द्वारा भूमि परीक्षा कर पृथ्वी के पृष्ठ पर पूर्व दिशा की उत्पत्ति करें और मंडल की रचना करें, फिर सर्वेश्वर महेश्वर का पूजन करें। तीनों तत्वों से युक्त त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष शक्ति का आह्वान करें। तत्पश्चात पांच आवरणों का पूजन शुरू करना चाहिए। तीसवा अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सबसे पहले भगवान शिव के दक्षिण में बैठे गणनायक, बाईं ओर कार्तिकेय एवं चारों ओर ईशान से सद्योजात का पूजन करें। द्वितीय आवरण में पूर्व दिशा के बाईं ओर से शक्ति, सूक्ष्म तत्व, पश्चिम में शक्ति, उत्तर दिशा में ईशान कोण का रुद्र सहित पूजन करें। तृतीय आवरण में शिवजी की आठों मूर्तियों का पूजन करें, फिर वृषेंद्र का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण में नदी, उत्तर में महाकाल, शास्त्रों, अग्निकोण एवं मातृकाओं का दक्षिण दिशा में पूजन करें। श्री गणेश को नैऋत्य कोण में पूजें। पश्चिम में कार्तिक, वायव्य में ज्येष्ठा, उत्तर में गौरी व ईशान कोण में चंड का पूजन करें। चौथे आवरण में सर्वप्रथम ध्यान करें, फिर पूर्व में भानु, दक्षिण में ब्रह्मा, पश्चिम में रुद्र, उत्तर में श्री हरि विष्णु का पूजन करें। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि का पूजन करने के बाद आठ ग्रहों का पूजन करें। पांचवें आवरण में देव योनि का पूजन करें और फिर देवेश का पूजन करते हुए पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। पूजन करने के पश्चात भगवान शिव पार्वती को सभी भोग अर्पित करें, फिर स्तुति गायन करें और ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। क्रमानुसार गुरुदेव का पूजन करें। सभी आवरणों के साथ देव विसर्जन करें। सब सामान गुरुदेव को अर्पित करें। ये योग योगेश्वर कहलाते हैं, जो चिंतामणि तुल्य हैं। 31वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, अब मैं आपको पंचवर्ण नामक पवित्र स्त्रोत सुनाता हूं। हे जगतनाथ, प्रकृति से सुंदर नित्य चेतन स्वरूप की सदा जय जयकार हो। हे सरल स्वभाव वाले पवित्र, चरित्रवान, सर्वशक्ति संपन्न पुरुषोत्तम, तुम्हारी सदा ही जय हो। हे मंगल मूर्ति, कृपा निधान, देवाधिदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवन, पूरा संसार आपके वश में है। प्रभु, आप सब पर कृपा करके अपने भक्तों की कामनाओं को पूरा करें। हे जगदम्बा, हे मातेश्वरी, आप हम सब भक्तों के मनोरथों को पूरा कीजिए। हे गणनायक, हे स्कंद देव, आप
भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले और उनके ज्ञान रूपी अमृत को पीने वाले हैं। भगवान, आप मेरी रक्षा करें। हे पांच कला के स्वामी, आप मेरी अभिलाषा पूरी करें। हे आठ शक्तियों के स्वामी, आप सर्वेश्वर शिव की आज्ञा से हमारी कामनाएं पूरी करें। हे सात लोकों की माता, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। हे विघ्न विनाशक, आप हमारे शुभ कार्यों में आने वाले सभी विघ्नों को दूर करें। इस प्रकार ये आवरण स्त्रोत अत्यंत शुभ है। प्रतिदिन इस कीर्तन को श्रवण करने वाला पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। 32वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम प्राण वायु को जीतना चाहिए, क्योंकि इस पर विजय प्राप्त होने से सब वायुओं पर विजय मिल जाती है। क्रमानुसार अभ्यस्त किया गया प्राणायाम सब दोषों को हटा देता है। ये शरीर की भी रक्षा करता है। जब प्राण वायु पर विजय प्राप्त हो जाती है तो विष्ठा, मूत्र, कफ सभी मंद पड़ जाते हैं। श्वास वायु लंबी तथा देर से आने लगती है। हल्कापन, द्रुत गमन, उत्साह, बोलने में चातुर्य, सभी रोगों का विनाश सब प्राणायाम की सिद्धि से पूरे हो जाते हैं। इंद्रियों को वश में करने का नाम प्रत्याहार है, क्योंकि इंद्रियां ही विषों में संलग्न होती हैं। सभी इंद्रियों को वश में कर लेना ही परम सुखकारी होता है। यही विद्वानों को ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। अपनी इंद्रियों को वश में कर लेने से आत्मा का उद्धार होता है। अपने हृदय को एकाग्र करना और शिव चरणों में समर्पित कर देना ही सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करता है। 33वां अध्याय। मुनिवर उपमन्यु श्री कृष्ण को पारलौकिक विधि के बारे में बताते हैं। ये विधि सर्वोत्तम है। इस त्रिलोक में निवास करने वाले सभी प्राणी इस विधि का आश्रय लेकर अपने पद को प्राप्त करते हैं। सबने अपने पदों के अनुसार सुख, शासन और राज्य को प्राप्त किया है। भगवान शिव को श्वेत चंदन के जल से स्नान कराएं। श्वेत कमल से ही उनका पूजन कर हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उन्हें कमल के ही आसन पर विराजमान करें। धातु का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। बेल पत्रों द्वारा कमल के दाईं ओर बैठे हुए भगवान शिव और देवी पार्वती का पूजन आराधना करें। फिर सुगंधित वस्तुओं से सुरभित करें। मूर्ति के दाईं ओर अगर पश्चिम में मैनसिल, उत्तर में चंदन और पूर्व में हरिताल लगाएं। तत्पश्चात भगवान शिव की मूर्ति के चारों ओर गूगल और अगर की धूप दें। फिर उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। फिर उन्हें खीर का नैवेद्य अर्पित कर घी का दीपक जलाएं। मंत्रोच्चारण करते हुए शिवजी की परिक्रमा करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और अपने द्वारा किए गए अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। इस प्रकार पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 34वां अध्याय। मुनि उपमन्यु ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, जितने भी प्रकार की सिद्धियां हैं वे शिवलिंग की स्थापना करने से तत्काल सिद्ध हो जाती हैं। सारा संसार लिंग का ही रूप है, इसीलिए इसकी प्रतिष्ठा से सबकी प्रतिष्ठा हो जाती है।
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कोई भी अपने पद पर स्थिर नहीं रह सकते। अब मैं तुम्हें भगवान शिव के लिंग के बारे में बताता हूं। लिंग तीन गुणों को उत्पन्न करने का कारण है। वह आदि और अंत दोनों से रहित है। इस संसार का मूल प्रकृति है और इससे चर अचर जगत की उत्पत्ति हुई है। ये शुद्ध अशुद्ध और शुद्धाशुद्ध आदि से तीन प्रकार का है। सभी देवता और प्राणीजन इसी से उत्पन्न होकर अंत में इसी में लीन हो जाते हैं। इसीलिए भगवान शिव को लिंग रूपी मानकर उनका देवी पार्वती सहित पूजन किया जाता है। भगवान शिव और देवी पार्वती की आज्ञा के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। त्रिलोकी के प्रलय काल आने पर, जब भयानक प्रलय मची थी, उस समय श्री हरि भगवान विष्णु क्षीर सागर में अथाह जल के बीच शेष शय्या में सो गए। तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास जाकर उनसे बोले, तुम कौन हो? ये कहकर उन्होंने निद्रा मगन श्री हरि को झिंझोर दिया। तब जाकर श्री हरि ने आश्चर्य से अपने सम्मुख खड़े व्यक्ति को देखकर पूछा, पुत्र तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? ये सुनकर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तब वे दोनों ही अपने को बड़ा और सृष्टि का रचयिता मानकर आपस में झगड़ने लगे। जल्दी ही बढ़ते बढ़ते बात युद्ध तक पहुंच गई और ब्रह्मा विष्णु में भयंकर युद्ध होने लगा। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव उस युद्ध को रोकने के लिए दिव्य अग्नि के समान प्रज्वलित लिंग रूप में उनके बीच में प्रकट हो गए। उन्हें देखकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए और उनका अभिमान जाता रहा। तब वे उस लिंग के आरंभ और अंत की खोज के लिए निकल पड़े। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और तीव्र गति से ऊपर चले गए। श्री हरि ने वराह रूप धारण किया और नीचे की ओर गए। 1000 वर्षों तक दोनों लिंग के आदि अंत की तलाश में घूमते रहे, परंतु उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने यही समझा कि ये कोई प्रकाशमान आत्मा है। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ने हाथ जोड़कर श्रद्धा भाव से प्रकाश पुंज शिवलिंग को प्रणाम किया। 35वां अध्याय। मुनि उपमन्यु बोले, हे वासुदेव, उस समय वहां पर ओंकार का नाद होने लगा, परंतु ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस ब्रह्म ध्वनि को समझ ना सके। ओम में स्थित आकार, उकार और मकार क्रमशः दक्षिण, उत्तर और मध्य भाग में तथा अर्ध मात्रा रूपी नाद लिंग के मस्तक पर जा पहुंचा। प्रणव अपना रूप बदलकर वेद के रूप में प्रकट हुए। आकार से ऋग्वेद, उकार से यजुर्वेद, मकार से सामवेद और नाद से अथर्व वेद की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई। इसमें रजोगुण से संबंधित विधि मूर्ति थी। सृष्टि लोक तत्वों में पृथ्वी, अव्यय, आत्मा, काल, निवृत्ति, 64 कलाएं और ऐश्वर्य आदि विभूतियां ऋग्वेद से प्राप्त हुई। यजुर वेद से सत्वगुण, अंतरिक्ष और विद्या आदि तत्वों की प्राप्ति हुई। सामवेद से तमोगुणी रुद्र मूर्ति एवं संहारक वस्तुएं उत्पन्न हुई।
अथर्व वेद में निर्गुण आत्मा का वैभव, माहेश्वरी सदाशिव निर्विकार आत्माओं की स्थिति का वर्णन है। नाद मेरी आत्मा है, समस्त विश्व ओंकार के अर्थ का सूचक है। ओम शब्द शिव का वाचक है। शिव और प्रणव में कोई अंतर नहीं है। संसार के रचनाकर्ता ब्रह्मा, रक्षक विष्णु और संहारक रुद्र हैं। रुद्र ही ब्रह्मा विष्णु को अपने नियंत्रण में रखते हैं। वे शिव ही सब कारणों के कारण हैं। आप दोनों बिना बात ही एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, इसलिए मैं आपके बीच शिवलिंग रूप में उत्पन्न हुआ हूं। ये सुनकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों का ही अभिमान टूट गया और वे भगवान शिव से बोले, हे ईश्वर, आपने हमें अपने चरण कमलों के दर्शन का सुअवसर प्रदान किया है। हम धन्य हो गए, हमारा अपराध क्षमा करें। तब भगवान शिव बोले, हे पुत्रो, तुम दोनों अभिमानी हो गए थे, इसीलिए मुझे यहां लिंग रूप में प्रकट होना पड़ा। अब अभिमान त्याग कर सृष्टि के कार्यों को पूरा करने में अपना योगदान दो। 36वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे मुनिवर, आपने मुझ पर कृपा कर इस अद्भुत कथा को मुझे बताया। अब आप लिंग और वेदी की प्रतिष्ठा की विधि भी बताइए। ये सुनकर उपमन्यु बोले, हे कृष्ण, शुक्ल पक्ष में शिव शास्त्र के अनुसार शिवलिंग का निर्माण कराएं, गणेश जी का पूजन कर लिंग को स्नान के लिए ले जाएं, 5 स्थान की मिट्टी गोबर पंचगव्य से शिवलिंग को स्नान कराएं, मंत्रोच्चारण करते हुए लिंग का जल में अधिवास करें, मूर्ति को सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर उनका पूजन करें और उन्हें चौकी पर स्थापित करें। पूर्व की ओर मूर्ति का माथा और पश्चिम में पिंडी होनी चाहिए। तत्पश्चात पुनः स्नान कराकर पूजन करें। वेदी की भूमि के ईशान कोण में कमल लिखें। शिवजी का आह्वान कर पूजन करें। वेदी के पश्चिम में चंडी का कमल लिखकर पुष्प अर्पित करें। फिर शिवलिंग को नए वस्त्रों में लपेटें। विदेश कुंभ और वर्धिनी शेवी की स्थापना करें। फिर 4 विप्र मंत्रोच्चारण करते हुए हवन करें। 108 घी की आहुतियों से हवन करें। हवन के पश्चात पुणा आहुति दें। फिर महापूजन आरंभ करें। 10 कलशों के जल में शिव मंत्र पढ़कर अंगूठे और अनामिका द्वारा मृतिका मंत्र जाप करें। फिर उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर विधेश के घट से अभिषेक करें। तत्पश्चात दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से भगवान शिव का देवी पार्वती सहित स्तुति करते हुए आह्वान करें। फिर पंचोपचार से उनका पूजन करें। पूजन करने के पश्चात हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। फिर अन्य मूर्तियों को भी इसी विधि से स्थापित करें। सब कार्यों के पूर्ण हो जाने पर आचार्य को यथावत दक्षिणा देकर उनके चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। 37वां अध्याय। मुनि उपमन्यु बोले, हे केशव, अब मैं आपको योग विधि के बारे में बताता हूं, जिसके द्वारा सभी विषयों से निवृत्ति हो और अंतकरण की सब वृत्तियां शिवजी में स्थित हो जाएं, वह परम योग्य है। योग 5 प्रकार का होता है, मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। मंत्रों का
उनके अर्थ सहित ज्ञान होना महायोग कहलाता है। मंत्रों को प्राणायाम द्वारा सिद्ध करना स्पर्श योग कहलाता है। जब जिव्या मंत्रों को स्पर्श ना करते हुए भी उनका जाप करती है तो वह भाव योग कहलाता है। प्रलय के समय से संबद्ध पूरे संसार का विचार अभाव योग कहलाता है। जब साधना करने वाले की सभी मानसिक वृत्तियां भगवान शिव से जुड़ जाएं और वह नित्य शिव चिंतन में मगन रहे, ऐसी दशा महायोग कहलाती है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य ही इस चिंतन और वैराग्य को अपने जीवन में अपनाकर महायोग को प्राप्त करते हैं। हमारे शरीर में रहने वाली प्राण वायु को रोकना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम रेचक, पूरक और कुंभक तीन प्रकार का होता है। साधक को इनका अभ्यास करना चाहिए क्योंकि इसी से शरीर की शुद्धि होती है। प्राणायाम सगर्भ और अगर्भ दो प्रकार का होता है। जप और ध्यान वाला प्राणायाम सगर्भ कहलाता है, परंतु जिसमें जप और ध्यान नहीं करते वह अगर्भ प्राणायाम कहलाता है। योगी जन सगर्भ प्राणायाम करते हैं। प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर लेने पर सभी वायु उस योगी के अधिकार में आ जाती है। प्राणायाम शरीर को पुष्ट, स्वस्थ और निरोगी बनाता है। इसके नियमित अभ्यास से कफ, मूत्र, पुरीष आदि कम हो जाते हैं। समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर लेना प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों को अपने वश में रखने से स्वर्ग और न रखने से नरक की प्राप्ति होती है। इसीलिए अपने चित्त को एकाग्र रखना चाहिए। भगवान शिव, जो कि सबके ईश्वर हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, का ध्यान करने से योगी का कल्याण होता है। अपने पूरे शरीर के साथ साथ इंद्रियों पर काबू पाने से आत्मा का उद्धार होता है। 38वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे केशव, आलस्य, व्याधि, प्रमदा, स्थान, संशय, चित्त का एकाग्र न होना, अश्रद्धा, दुख, वैमनस्य आदि योग में पड़ने वाले विघ्न हैं। इन विघ्नों को सदा शांत करते रहना चाहिए। इन सब विघ्नों के शांत होने पर 6 उपसर्ग उत्पन्न हो जाते हैं। प्रतिमा, श्रवण, वार्ता, दर्शन, अस्वादन, वेदना आदि भोग के विषय हैं। यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी विप्रकृष्ट नहीं होता, यही प्रतिमा है। यत्न के बिना जब सब कुछ हमें सुनाई देने लगता है, उसे श्रवण कहते हैं। सभी प्राणियों की बात को जानना और समझ लेना वार्ता कहलाता है। बिना कोई कोशिश किए जब सब कुछ आसानी से दिखाई देने लगे तो उसे दर्शन कहते हैं। दिव्य पदार्थों के स्वाद का नाम अस्वादन है। वेदना को सभी प्रकार के स्पर्शों का ज्ञान माना जाता है। योगी उपसर्ग पाकर सिद्ध हो जाता है। 39वां अध्याय। उपमन्यु बोले, हे केशव, त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का सभी योगी मुनि ध्यान करते हैं। इसी के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती है। सविनय और निर्विषय आदि ध्यान कहे गए हैं। निर्विषय ध्यान करने वाले अपनी बुद्धि के विस्तार से ध्यान करते हैं और ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। सविषय ध्यान सूर्य किरणों को आश्रय देने वाले होते हैं। शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद, ये दिव्य सिद्धियां
देवी का ध्यान करते हुए प्राणायाम द्वारा सिद्ध होती है। बाह्य और अभ्यंतर अंधकार का विनाश, प्रशांति और सभी आपत्तियों का नाश शांति है। बाह्य अभ्यंतर प्रकाश का दीप कहा जाता है। जब हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, यही प्रसाद है। बाहर भीतर के सभी कार्य पूर्ण होने पर सब कारण प्रसिद्ध हो जाते हैं। भगवान शिव, जो साक्षात परमेश्वर है, का भक्ति पूर्वक ध्यान करने से सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि का प्रभाव ध्यान एवं स्मरण से होता है। समस्त ऐश्वर्य, अणिमा आदि सिद्धियां एवं मुक्ति भगवान शिव का स्मरण एवं ध्यान करने से मिलती है। देवाधिदेव महादेव जी का ध्यान मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसीलिए ज्ञानी मनुष्यों को शिव ध्यान एवं स्मरण अवश्य करना चाहिए। ज्ञान योग यज्ञों से बढ़कर फल देता है। महायोगी योग सिद्ध कर लोक हित और लोक कल्याण हेतु लोक भ्रमण करते रहते हैं। वे विषय वासना को तुच्छ मानते हैं और सब इच्छाओं को त्याग कर वैराग्य ले लेते हैं। वे शिव शास्त्रों में वर्णित विधि के अनुसार अपनी देह का त्याग कर देते हैं। इससे उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव में अगाध भक्ति और श्रद्धा रखने वाले ज्ञानी पुरुषों को इस सांसारिक मोह माया से मुक्ति मिल जाती है और वे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर परम शिव धाम को प्राप्त कर लेते हैं। 40वां अध्याय। सूची बोले, हे मुनियों, महर्षि उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को ज्ञान योग का उपदेश दिया। वही उपदेश वायुदेव ने ऋषि गणों को सुनाया था, जिसे सुनकर वे बहुत हर्षित हुए थे। प्रातःकाल होने पर नेमिष तीर्थ में निवास करने वाले मुनिजन यज्ञांत स्नान के लिए परम पवित्र नदी को ढूंढने लगे। उस समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से परम पवित्रा सरस्वती नदी वहां बहने लगी। तब सब ऋषि गणों ने वहां यज्ञांत स्नान कर संध्या पितरी तर्पण किया और वहां से काशी के लिए निकल पड़े। काशी पहुंचकर उन्होंने पतित पावनी भागीरथी गंगा में स्नान किया एवं बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर विधि अनुसार पूजन किया। काशी से वे चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक अद्भुत दिव्य प्रकाश चारों ओर फैला दिखाई दिया, जिसमें पाशुपत व्रत की सिद्धियां प्राप्त भस्मधारी मुनिजन विलीन हो रहे थे। फिर शीघ्र ही वह तेज भी विलीन हो गया। ये देखकर नैमिषारण्य के सभी मुनिजन ब्रह्मा जी से मिलने ब्रह्मलोक चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति की। मुनीश्वर बोले, हे जगत पिता ब्रह्मा जी, वायुदेव ज्ञानोपदेश देकर वहां से चले आए। तब हम सब ने यज्ञ कर यज्ञांत स्नान से निवृत्त हो काशी नगरी की ओर प्रस्थान किया। वहां गंगा में स्नान कर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। वहां हमें एक अद्भुत तेज के दर्शन हुए। उस तेज में अनेक तपस्वी विलीन हो रहे थे। कुछ समय पश्चात वह तेज स्वयं विलीन हो गया। उसे देखकर मैं बहुत आश्चर्य हुआ। भगवान, वह क्या था? ऋषि गणों के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषि गणों, आपने बहुत समय ये करके
देवादिदेव भगवान शिव को प्रसन्न किया है। उस दिव्य तेज में प्रवेश करने वाले पाशुपत व्रतधारी मुनि थे। उसके दर्शन का यही अर्थ है कि आपको शीघ्र ही दिव्य लोक की प्राप्ति होने वाली है। इसीलिए आप मोक्ष प्राप्त करने हेतु पाशुपत व्रत धारण करें। अब आप सब यहां से सुमेरु पर्वत पर चले जाएं। वहां सनत कुमार जी आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे पूर्व में अपने अहंकार के कारण मिले शाप से मुक्ति पाने के लिए वहां तपस्या कर रहे हैं। वहां उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। 41वां अध्याय। सूत जी बोले, हे मुनिवर, ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषिगण उन्हें प्रणाम कर सुमेरु पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने पर्वत शिखर पर एक सुंदर तालाब की उत्तर दिशा में तपस्या करते सनत कुमार जी को देखा। मुनि उन्हें प्रणाम कर उनके पास बैठ गए। सनत कुमार जी ने आंखें खोलकर अपने पास बैठे मुनियों को देखकर उनसे प्रश्न किया, हे ऋषिवर, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं? ये सुनकर ऋषिगणों ने सारी बातें उन्हें बता दी। उसी समय नंदीश्वर भी वहां आ गए। नंदीश्वर को अपने सामने पाकर सभी मुनियों और सनत कुमार जी ने आसन से उठकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, इन मुनियों ने जो कि नैमिषारण्य में निवास करते हैं 10,000 वर्षों तक यज्ञ किया है। उस महायज्ञ के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी ने इन्हें आपकी शरण में भेजा है। आप इनका कल्याण करें और इन्हें दिव्य अद्भुत ज्ञान प्रदान करें। सनत कुमार जी के वचन सुनकर नंदीश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि ऋषि गणों पर कर दी। नंदीश्वर ने परम दिव्य शिव तत्व का उपदेश उन्हें दिया। तब उपदेश देकर वे बोले, ये परम ज्ञान धर्म अर्थ काम और मोक्ष सभी प्रदान करने वाला है। अब आप मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। ये कहकर नंदीश्वर वहां से चले गए। इसके पश्चात सभी ऋषिगण प्रयाग तीर्थ चले गए और वहां उन्होंने अपना महान योग पूरा किया। योग पूर्ण होने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि कलयुग आ रहा है। ये देखकर वे नैमिषारण्य मुनि काशी चले गए। वहां मुक्ति की कामना करते हुए उन्होंने पाशुपत व्रत धारण किया। उनकी सिद्धि सफल हुई और वे शिव पद को प्राप्त हुए। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार ये शिव पुराण पूर्ण हुआ। इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पढ़ने अथवा सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे प्रथम बार पढ़ने या सुनने से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। दोबारा श्रवण से भक्तिहीन को भक्ति व भक्त को भक्ति की समृद्धि प्राप्त होती है। तीसरी बार श्रवण करने से मुक्ति मिल जाती है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु इसका 5 बार पाठ करना चाहिए। प्राचीन काल में शिव पुराण का 7 बार पाठ कर अनेक राजाओं, ब्राह्मणों और वेश्यों ने साक्षात शिव दर्शन किए। इस पवित्र ग्रंथ को भक्ति पूर्वक सुनने वाला मनुष्य संसार में सभी सुखों को भोगकर
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। शिव पुराण भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ये वेदों के समान भोग और मोक्ष देने वाला है। शिव पुराण का पाठ करने वाले मनुष्य पर देवाधिदेव महादेव की सदा कृपा दृष्टि रहती है। वे सदा सबका कल्याण करते हैं। इसी के साथ शिव पुराण संपूर्ण होती है। हे ईश्वर, मैं आपका आह्वान और विसर्जन दोनों ही नहीं जानता। मुझे आपकी पूजा भी करनी नहीं आती है। कृपया करके मुझे क्षमा करें। ना मुझे मंत्र का ज्ञान है, ना ही किसी क्रिया का। मैं तो आपकी भक्ति करना भी नहीं जानता। यथासंभव पूजा कर रहा हूं। कृपा करके मेरी भूल को क्षमा कर दें और पूजा को पूर्णता प्रदान करें। मैं भक्त हूं, मुझसे गलती हो सकती है। हे ईश्वर, मुझे क्षमा कर दें। मेरे अहंकार को दूर करें। मैं आपकी शरण में हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं प्रमोद पी माथुर आप उन सब का धन्यवाद करता हूं जिसने भी ये शिव पुराण धैर्य के साथ मेरे साथ सुनते आ रहे हैं।